हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है एक्रेलिक कलर से, और हम एक्रेलिक कलर को पेंट करेंगे कैनवास पर। लेकिन अब इसमें क्या नया है, लेकिन वेट, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो नया तो मिलना डेफिनेटली है। ये कैनवास होने वाले हैं हमारे खुद के बनाए हुए। अब खुद के बनाए हुए इसमें भी क्या नया है, खुद तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट क्या होगा, जस्ट वेट। ये है, अगर आपको पता हो तो, ये है टैग्स। मुझे पता है आपको पता होगा, जो हमारे कपड़ों में लग के आते हैं। इन्हीं से हम बनाएंगे अपने कैनवास। वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट जल्दी से चलते हैं। अरे वाह, इतने सारे क्लॉथ टैग्स, लेकिन इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे कुछ ही। देख लीजिए कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे ओनली 4। आज की वीडियो में बनने जा रहे हैं हमारे 4 मास्टरपीसेस, नॉट मास्टरपीसेस बट ऑफ कोर्स अमेजिंग पीसेस। ओके, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टैग से, जिसके ऊपर के सारे मलबे को हम हटा लेंगे एंड स्टार्ट करेंगे हमारी पेंटिंग। नॉट पेंटिंग, पेंट्स को अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट डिजाइंस में, बहुत सारे पैचेस में, कलरफुल पैचेस। जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं येलो से एंड देन अप्लाई करेंगे ग्रीन। हमारी पैलेट इस बार बहुत अमेजिंग होने वाली है, कलर्स होने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, सूथिंग एंड कुछ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट। एक बैलेंस थीम होने वाला है एंड आपके होश उड़ जाने वाले हैं। वीडियो पूरी ज़रूर देखें। ओके, एंड नेक्स्ट होने वाला है हमारा कलर, सबका फेवरेट, जो अक्सर होता है पिंक। अच्छा, आपको एक चीज़ पता है, पिंक कलर होता है मोस्टली यू कैन से लड़कों के लिए, बट आज हमने इसको स्टोरी टाइप बना रखा है कि इट इज़ फेवरेट फॉर द गर्ल्स, बट लेट इन द टाइम ऐसा नहीं होता था। अब अपार्ट फ्रॉम द टॉकिंग, चलते हैं हमारे ब्लू कलर के साथ। इट इज़ नॉट द एग्जैक्टली ब्लू, लाइट टोन ऑफ ब्लू, जिसे हमने थोड़ा सा वाइट मिक्स करके ब्लू बनाया है एंड इट इज़ लुक्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसके हो जाने के बाद हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर, ताकि एक नेचुरल सा बैलेंस आ जाए हमारे इस आर्ट पीस में, जो होने वाला है ऑरेंज। इस कलर को भी हम अच्छे से अप्लाई कर देंगे एंड अप्लाई कर देने के बाद स्टार्ट करेंगे हम सबकी फेवरेट डूडलिंग, ब्रेनस्ट्रॉमिंग, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। डूडलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बना दूंगा एक प्यारा सा कैक्टस, उसका पॉट, देन हम बनाएंगे कैक्टस की पूरी बॉडी एंड जस्ट लुक कि कितना अमेजिंग एंड कितना गॉर्जियस प्रोसेस है ये। बहुत इजी भी है, बहुत सिंपल भी है, आप तो इसे 2 मिनट में कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। एंड देन हमने बुलाई है एक छोटी सी बॉल, उसके बगल में छोटी सी गरारी। अगर आपने नया गाना सुना हो पप्पा मूवी का, तो ये उसी से है। और देन हमने बनाया है प्यारा सा ब्रश, पेंट वाला ब्रश बनाया, तो पैलेट कैसे भूल जाएंगे, कलर पैलेट। एंड देन मिक्सी वाला छोटा सा जार, मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो मैं जल्दी जल्दी से बनाता जा रहा था एंड चीज़ें कितनी ज़्यादा अमेजिंग निखर के आ रही हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा टच देंगे, थोड़ी सी वेवी लाइन्स के साथ, बच्चे वाला बेबी नहीं, वेव्स, तरंग। क्रिसमस आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी बेल्स, जिंगल बेल्स यू कैन से, एंड थोड़ा एक छोटा सा मग, जो कि मेरे दिमाग में तब आ रहा था और मैंने ये इसको झट से यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का एक इफेक्ट देंगे, बादल वाला, यू कैन से जलेबी वाला। और जल्दी से यहाँ पर बनाएंगे हम डिफरेंट एलिमेंट्स, जिनमें ये कुछ अमेजिंग से हैं। जस्ट लुक कितने सर्कल एंड उनमें छोटे छोटे से लाइंस हैचिंग यू कैन से, एंड इट्स गोइंग टू कम्प्लीट। और ये हो चुका है कम्प्लीट। अब हम चलेंगे हमारी सेकेंड आर्ट पीस की ओर, 1, 2 एंड 3। ये होने वाला है हमारा सेकेंड आर्ट पीस। इसमें हम लेंगे बहुत सारे फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बना देंगे। पहला मैंने बना भी दिया है, आप देखिए कि कितना अमेजिंग है। और वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इस वाले हमारे आर्ट पीस की, यहाँ पर हम सिर्फ बॉल पेंस का यूज़ कर रहे हैं, नो ब्रश, नो कलर्स, नो वाटर कलर्स, नथिंग एल्स, जस्ट बॉल पेंस एंड जस्ट बॉल पेंस। जल्दी से हम ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करके बहुत सारे ब्यूटीफुल एंड सिंपल से फ्लावर्स बना देंगे।
जो कि हमारी इस पूरे आर्ट पीस को जगा देने वाले हैं, जान भर देने वाले हैं। फ्लावर्स हम बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपली रखेंगे ताकि हम अपने इस ब्यूटीफुल से मास्टरपीस को इजीली शो कर पाएँ और बहुत ही अमेजिंग भी लगे, क्योंकि आसान चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं, बनाने में बहुत सिंपल भी होती हैं। इसलिए कनेर का फूल भी बनाया है, गुड़हल का भी बनाया है, बहुत सारे फ्लावर्स हमने बना दिए हैं यहाँ पर, एंड कुछ बर्ड्स भी बनाएंगे इनकी। जैसे सनफ्लावर की मैंने बर्ड बनाई है जो मैं बना रहा हूँ अभी, एंड ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का टचअप देने की कोशिश करेंगे, वो भी अपनी सिंपल सी आर्टिस्टिक लैंग्वेज में, जो भी हमारी टूटी फूटी आर्टिस्टिक लैंग्वेज है, लाइंस एंड छोटे मोटे डूडलिंग वर्क के साथ। और कितना अमेजिंग लग रहा है इसका भी बैकग्राउंड आप तो देख ही सकते हैं। एंड गेस व्हाट, इट इज आल्सो गोइंग टू कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग टच देंगे, हमने जो लाइंस बनाई थी जिग जैक उनको कलर कर देंगे जल्दी से फटाफट से इन अ हैचिंग वे विद अ ब्लैक बॉल पैन। इसके हो जाने के बाद स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड मास्टरपीस को, जिसमें भी हम फटाफट से ले लें एक नया टैग एंड उस पर हम स्टार्ट करेंगे डूडलिंग बट इन अ मंडाला स्टाइल। वाओ, मंडाला स्टाइल डूडलिंग, अमेजिंग। तो जल्दी जल्दी से हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को अप्लाई करते जाएंगे एक ही फ्लावर को बनाने में, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रोसेस इतना ज़्यादा रंगी बट एक ही कलर का होने वाला है कि क्या ही बताएं। और जल्दी से हम बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग सी डॉट्स अप्लाई कर देंगे एंड जस्ट लुक ये प्रोसेस कितना स्लो, कितना ब्यूटीफुल होता जा रहा है। एंड जिगजैग थोड़ी सी टूटी फूटी लाइंस एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल सी फ्लावर की पेटल्स, कितनी अमेजिंग पेटल लग रही हैं, इनको हम खाली नहीं छोड़ेंगे। इनके सेंटर में भी कुछ अमेजिंग सी लाइंस अप्लाई करेंगे ताकि और फ्लावर निखर कर आए। इनके अपर वाले पोर्शन को भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा सा एम्फेसाइज लगे, चीज़ें बैलेंस हो सकें। अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट फ्लावर, उसकी पेटल्स डोम शेप की होने वाली हैं, उनके अंदर अतरंगी डिज़ाइन होने वाली है जो कि हमारी पूरी डिज़ाइन में चार चांद लगा देने वाली है। डॉट्स वाले मंडाला आर्ट करेंगे बट नॉट विद एक्रेलिक कलर, जो कि हमारी मास्टरपीस की सबसे अमेजिंग चीज़ होने वाली है, विद ब्लैक ब्लैक पेन जो मेरे पास है, आई थिंक ये जेल पेन है, सो दैट इज़ ऑल। एंड इसके हो जाने के बाद छोटे छोटे से फ्लावर्स, उन पर भी थोड़े से पॉइंट्स, एंड फिर हम चलेंगे एक आखिरी डिज़ाइन की ओर जो कि बहुत इजी एंड बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आप देख लीजिए ये डिज़ाइन कैसी है, ज़रा देखिए तो कितनी अमेजिंग है। देन हम लिखेंगे हम सबकी प्यारी राधे राधे आप सबको मेरी तरफ से, और ये वाला टैग भी हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है। राधे राधे को थोड़ा सा डार्क करेंगे राधा रानी जी के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए। तो जल्द से डार्क कर देने के बाद इट्स डन। अब हम चलेंगे हमारे सबसे लास्ट वाले मास्टरपीस की ओर। पता नहीं मैं क्यों बार बार मास्टरपीस बोल रहा हूँ बट इट इज़ कितना सेटिस्फाइंग है इसको पील अप करना। ओ यस, एंड ये कुछ अजीब तरीके से पील अप हुआ है बट डोंट वरी, इसको हम अपने आर्ट पीस में जोड़ देने वाले हैं, क्योंकि असली आर्टिस्ट तो वही है ना जिसको जो मिले उसी से अपनी कलाकारी दिखाने में सक्षम हो सके। तो फटाफट से हम इसको कर देंगे, लेकिन बी अवेयर चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। हम फटाफट से इसमें हम एक शाम वाला इवनिंग वाला टेक्सचर, इवनिंग वाला एक माहौल देने के लिए जल्दी से हम ऑरेंज कलर को बना देंगे एंड देन बनाएंगे अवतार से इंस्पायर्ड फ्लोटिंग आइलैंड्स जो कि बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। बना देने के बाद जो हमारा बचा हुआ ब्लैक वाला पोर्शन था जो कि अच्छे से छुट नहीं पाया था, उसे भी हम आइलैंड का शेप दे देंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे हमारे साम वाले लुक को और एनहेंस करने के लिए, जिसके लिए हम सन बनाएंगे, छोटी छोटी प्यारी सी चिड़ियाँ एंड एक छोटी सी बिल्डिंग भी बना देंगे। देन उसके बाद बनाएंगे एक सबसे अमेजिंग एंड धमाकेदार चीज़ जो होने वाली है, तोप, यू नो कैनन, और उसे भी हम यहाँ पे बना देंगे। थोड़ा अजीब है बट इट्स लुक सो अमेजिंग। और एक थोड़ा सा यू नो तूफान वाला पूरा माहौल दे देंगे, बिजली को कड़का देंगे, बिजली बना देंगे एक यूनिक वे में, अमेजिंग वे में, एंड उस पर भी थोड़ी सी हैचिंग वगैरह अप्लाई कर देंगे एंड देन हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे सारे मास्टरपीस कंप्लीट हो चुके हैं, इट्स डन। सो थैंक यू फॉर यू नो वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको उसमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।